इंदौर में यात्रियों से भरी सिटी बस में ड्राइवर और कंडक्टर को चाकू दिखाकर धमकाने वाले आरोपित को सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने उसे पकड़ा और सिटी बस में भी ले गए, जहां वह यात्रियों और पुलिस से माफी मांगता रहा। दरअसल 19 दिसंबर की यह घटना है, जिसके बाद से पुलिस आरोपित की तलाश कर रही थी। आरोपी की तलाश के लिए थाना प्रभारी खजराना दिनेश वर्मा ने टीम का गठन किया था। वीडियो की जांच करने पर पता चला कि यह घटना गोया रोड के पास की है। टीम ने आरोपित सहजाद और करण नेपाली की पहचान की। इसके बाद चाकू लहराने वाले आरोपित सहजाद उर्फ जावेद पुत्र साकेत निवासी राजीव नगर गांधी ग्राम को गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों के खिलाफ अवैध वसूली, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया। वह पहले थाना कनाड़िया तिलक नगर लसोड़िया में गिरफ्तार हो चुका है। साथ ही कनाड़िया थाने में एक प्रकरण में वह अभी भी फरार है। बहुत बड़ा अपराध हो गया था।